गारंटी यानी हर गारंटी पूरा करने की गारंटी। गंगा जी की कसम खाकर झूठी घोषणा करने का काम सिर्फ कांग्रेस के नेता ही कर सकते हैं। 9 साल पहले तक जो काम असंभव लगते थे वो काम भी हमने पूरे किए हैं, क्योंकि उनकी गारंटी मोदी ने दी थी। लोकसभा और विधानसभा में महिलाओं के आरक्षण भी, महिलाओं के लिए आरक्षण कितने समय से लटका पड़ा काम था, ये काम भी किसने पूरा किया? किसने पूरा किया? किसने पूरा किया? मोदी ने गारंटी पूरी की कि नहीं की? हम समाज के उन वर्गों को भी पूछ रहे हैं जिन्हें पहले किसी ने नहीं पूछा। हमारे विश्वकर्मा साथी, हर गांव में कोई न कोई एक परिवार होता है, कुमार हो, लोहार हो, मालाएं बनाने वाले मालाकार हो, मूर्ति बनाने वाले मूर्तिकार हो, खिलौना बनाने वाले छोटे छोटे लोग हो, टोकरी बनाने वाले हो, बांस पर काम करने वाले हो, जूते बनाने वाले हो, कपड़े धोने वाले हो, ऐसे अनेक छोटे छोटे परिवार बिखरे पड़े हुए। इन परिवार कोई उनकी सूद भी नहीं लेता था। मोदी है, उसे उनका दर्द भी पता चलता है, और हमने ऐसे परिवारों के लिए पीएम विश्वकर्मा योजना के तहत हर विश्वकर्मा साथी को 1000 रुपये की आर्थिक मदद दिए ये निर्णय किया है। उनको ट्रेनिंग देंगे, आधुनिक औजार देंगे, उनको बैंक से पैसा देंगे, उनको बाजार की व्यवस्था करेंगे। मेरे परिवारजनों, हर क्षेत्र, हर वर्ग तक विकास का लाभ पहुंचे, सबको सम्मान का जीवन मिले, ये भाजपा की नीति है। तुष्टिकरण किसी का नहीं, और विकास से वंचित भी कोई न रहे, यही भाजपा की नीति है। देश के इतिहास में पहली बार भाजपा ने एक आदिवासी परिवार की बेटी को राष्ट्रपति बनाने का फैसला किया, लेकिन कांग्रेस ने उनका भी विरोध किया, उनके खिलाफ अपप्रचार किया, भला बुरा कहा। कांग्रेस का ये विरोध भाजपा के विरुद्ध नहीं था, बल्कि ये आदिवासी बेटी के विरोध में था। छत्तीसगढ़ के हर आदिवासी को आदिवासी की बेटी का ये अपमान हमेशा हमेशा याद रखना है, और कांग्रेस को इसकी सजा देनी है। सजा देंगे ना? दोनों हाथ ऊपर करके जरा बताइए, सजा देंगे ना? आदिवासी बेटी के अपमान का बदला लेंगे ना? कांग्रेस को सजा देंगे ना? साथियों, कांग्रेस की यही मानसिकता है जिसके कारण दशकों तक आदिवासी समाज वंचित रहा। छत्तीसगढ़ में तृतीय और चतुर्थ श्रेणी की भर्तियों में